नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वो अब हो चुका है। दोस्तों, अब परेशानी बढ़ने वाली है, पूरी दुनिया के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि कल ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है, और ये जो हमला किया है ये सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा हमला किया गया है। ये इतना बड़ा सोची हमला था कि अगर सारी की सारी अगर मिसाइल और ड्रोन अगर अपने निशाने पर लग जाती तो इसराइल में आज पूरी तरह से मातम पसरा होता, ऐसा समझ लिया। ये तो अच्छी बात है कि इसराइल के पास उसके डिफेंस इक्विपमेंट इतने अच्छे हैं, उसका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसने 99% मिसाइल्स और ड्रोन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। ईरान का जो आए हुए थे मिसाइल्स वो ऐसे ही बर्बाद हो गई थी। 1% इसराइल के धरती पर जाके गिरे हैं मिसाइल और ड्रोन्स, जिससे इसराइल को नुकसान हुआ है, और इसकी जो कंफर्मेशन है इसराइल के अधिकारियों ने दे दी है, जो उसके सुरक्षा के अधिकारी हैं। और दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उन्होंने जो उम्मीद करी थी कि हम इतना नुकसान पहुँचाएँगे, उससे ज़्यादा इसराइल को नुकसान हुआ है, ऐसा ईरान का कहना है। हालांकि अब दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हुई और दोनों एक दूसरे को डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। अब इसराइल कह रहा है कि अब आपको इसका जवाब मिलेगा और बहुत मजबूत जवाब मिलेगा। साथ में एक बात ये भी बोला है इसराइल ने कि अब कोई भी मुझसे मतलब दया की उम्मीद मत करिए। ये इसराइल का कहना है कि अब हम दया करने वाले नहीं हैं, हम अपना एक्शन जो भी लेना है वो लेंगे। इस बीच यूएसए बहुत ज़्यादा परेशान है, उसने बात करी बेंजामिन नेतन्याहू से और उनको समझाने की कोशिश करी है कि अभी लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अभी ये समय ठीक नहीं है। वो समय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यूएसए में चुनाव आने वाले हैं और वो चाहता नहीं है कि किसी भी तरह चुनाव प्रभावित हों। एक्चुअली उससे बाइडन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यूएसए अभी 2-3 लड़ाइयों में फंसा भी है, जैसे यूक्रेन की लड़ाई में तो बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ है। तो वो इसराइल से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसराइल मुझे नहीं लगता कि यूएसए की बात मानने वाला है। इसराइल का अपना एक मानना है और वो अपने हिसाब से काम करता है, वो इसका जवाब देगा, बहुत ज़बरदस्त जवाब देगा, ऐसा मतलब लगता है। इसराइल के पिछले जो समय कुछ समय से उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देख के ये लगता है। दोस्तों, ये तो हमें दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, अब इसके पीछे खतरा क्या है और ख़तरा क्या हम ही लोग महसूस कर रहे हैं या पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि खतरा वाकई है। जैसे कि अब आपको बता दें कि डॉलर और गोल्ड, इन दोनों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो किसी एक चीज़ के प्राइस बढ़ते थे, या तो डॉलर के बढ़ते थे या तो गोल्ड के बढ़ते थे। इट मीन्स कि अगर डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डॉलर में होती थी, और अगर प्राइस गोल्ड में बढ़ते थे तो इन्वेस्टमेंट डॉलर की जगह गोल्ड में होने लगती थी। मतलब एक जगह से पैसा निकलता था तो दूसरी जगह लगता था, ऐसा होता था। तो एक जगह के प्राइस ऑटोमेटिक नीचे हो जाते थे, दूसरी जगह बढ़ जाते थे। लेकिन अगर अभी देखेंगे लगभग पिछले एक महीने का सिनेरियो, तो डॉलर के भी प्राइस बढ़ रहे हैं और गोल्ड के भी प्राइस बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि दोनों चीज़ों की इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तभी उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, डिमांड अचानक से क्यों बढ़ गई? क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि अब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बुरी होने वाली हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें करके रख लो, अपने पास सेव करके रख लो, जिससे आगे जो महंगाई बढ़ेगी अब तो उससे उस महंगाई को काउंटर करेंगे जो उससे रिटर्न मिलेगा। जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे आगे जाकर, तो अब जो महंगाई बढ़ेगी और गोल्ड से जो कमाएंगे वो उससे वो एडजस्ट कर लेंगे, ये एक सोच है। डॉलर को इकट्ठा करके रख लो, डॉलर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, वो उससे एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन, इसलिए उसमें फोकस किया जा रहा है कि यहीं पे इन्वेस्ट करो।
क्योंकि अब महंगाई बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसराइल जैसा ही अपना हमले स्टार्ट करेगा बस वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब इसराइल शांत बैठने वाला नहीं है, होगा क्या? क्योंकि ईरान एक ऐसी जगह पे है जहाँ से वो एक समुद्री रास्ता है, वहाँ से सारे ये मान लीजिए कि वर्ल्ड का 40% ऑयल उसी रास्ते से निकलता है और वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, सामान का आवागमन बंद हो जाएगा, क्योंकि उस रास्ते में जब लड़ाई हो रही होगी, एक दूसरे पे मिसाइल गिर रही होंगी, तो कोई अपना शिप लेकर क्यों निकलेगा, अपना सामान लेकर क्यों निकलेगा, कोई अपनी जान को क्यों जान का जोखिम कोई क्यों लेना जाएगा, ये तो नुकसान रहेगा ना। तो वह रास्ता बंद हो जाएगा, जैसे ही वो बंद होगा तो ये इम्पैक्ट सीधे सीधे पूरी दुनिया को करने वाला है। महंगाई बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है, ऐसा लग रहा है लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा होने वाला है। दोस्तों ये क्या डॉलर ये जो बढ़ रहा है और जो ये गोल्ड बढ़ रहा है, क्या सिर्फ यही है कि बस लड़ाई हो रही है बस इसीलिए बढ़ रहा है? दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जिनको इस लड़ाई में भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे कि चाइना है। उसको ये लग रहा है चाइना को कि यूएसए अभी चुनाव में अपने फंसा हुआ है और साथ ही साथ एक यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, वो उसमें भी फंसा हुआ है। दूसरी तरफ इसराइल हमास के बीच पहले लड़ाई चल रही थी, उसमें भी वो सपोर्ट कर रहा था इसराइल को। तीसरा, अब इसराइल के साथ ईरान का अगर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो यूएसए को सपोर्ट करना पड़ेगा इसराइल का, यहाँ तक कि यूएसए ने अपनी कुछ वॉरशिप ईरान के आसपास खड़ी कर दी है समुद्र में। तो इससे होगा क्या, यूएसए परे फंस जाएगा। इधर चाइना को एक अपॉर्चुनिटी ये मिल जाएगी कि ये जो ताइवान है, जैसे चाइना कहता है कि ये कोई देश नहीं है, ये हमारा ही पार्ट है, चाइना उस वक्त जब यूएसए फंस जाएगा इसराइल के साथ तो वो अटैक करना चाहेगा ताइवान के ऊपर और वो अपने देश में ताइवान को मिलाना चाहेगा। ये उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है मिलाने की। तो उसको मालूम है कि अगर कुछ भी ऐसा हम करते हैं तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, यूएसए सैंक्शन लगा देगा। जब सैंक्शन किसी भी देश के ऊपर लगते हैं यूएसए के, तो उसका हुक्का पानी लगभग बंद हो जाता है, उसके बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये समझ लीजिए कि वो जितना इफेक्टिवली आगे बढ़ रहा होता है उसकी ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें चलती डॉलर से हैं और डॉलर को आप यूज कर नहीं सकते। ये तो अब दोस्तों चाइना भी तो कुछ रास्ता देखेगा, उसके पास जो डॉलर है उसका करेगा क्या, तो उसने भी स्टार्ट किया इस डॉलर को बेचना और उससे गोल्ड खरीदना, कि ठीक है गोल्ड तो सभी को चाहिए ना, आप सैंक्शन किस पे लगाओगे, डॉलर पे लगाओगे, लगा लो आप, हमारे पास डॉलर होंगे नहीं, डॉलर को हम कन्वर्ट कर चुके होंगे सारा गोल्ड में, और बाद में गोल्ड इन्फ्लेशन के साथ गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो चाइना की ये स्ट्रेटजी लग रही है कि वो ऐसा चाह रहा है। अच्छा चाइना ने ये चीज़ सीखी कैसे, दरअसल ये सीखने को मिला उसको यूक्रेन और रशिया के युद्ध से। जब यूक्रेन और रशिया के युद्ध में रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगा दिए गए तो रशिया के पास जो डॉलर थे, रशिया उस डॉलर का यूज़ कर नहीं पाया। अब जब यूज़ नहीं कर पाया तो वो करेगा, वो बस ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं उसका डॉलर। अब सेम चीज़ चाइना को भी लग रहा था कि ऐसा ना कि हमारे ऊपर भी सैंक्शन लग जाए तो हम भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे डॉलर का करना क्या जिसका हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अभी उसने डिमांड क्रिएट कर दी डॉलर बेचकर और गोल्ड को परचेज करके, लेकिन वो डॉलर इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही कि डॉलर के प्राइस नीचे आ जाए, लेकिन गोल्ड की वो इतनी उसने परचेजिंग कर ली है कि गोल्ड के प्राइस ज़रूर ऊपर जा रहा है, ये ज़रूर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों ये भी एक चिंता की बात है कि अगला अगर युद्ध ताइवान और चाइना के बीच स्टार्ट हो गया तो भारत के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भारत के लिए दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि हम कहीं ना कहीं ताइवान को काफ़ी फ्रेंडली मानते हैं, हमें उससे कुछ बिजनेस अपने करने हैं, सेमी कंडक्टर का जैसा बिजनेस करना है, और ताइवान जितना स्ट्रांग रहेगा चाइना उतना ही ज़्यादा परेशान रहेगा। तो हमें तो ये
करके रखना है कि जो हमारा दुश्मन है वो किसी भी तरह से उलझा रहा है, हमें उसे उलझा कर रखना है और उसको उलझाने के लिए हमें उस आगे नहीं आना है। ताइवान, फिलीपींस, इनके जैसे देशों को आगे खड़ा करना है और उसको उलझा कर रखना है, ऐसा करना है। अब जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हम थोड़ा उलझेंगे, हम तो बस ये चाहते हैं कि एक साइड से अफगानिस्तान इनको परेशान करता रहे, दूसरे साइड से ईरान परेशान करता रहे पाकिस्तान को, ये उसी में उलझे रहेंगे तो आतंकवादी हमारे यहाँ नहीं भेजेंगे। ऐसे ही चाइना जब उन दोनों देशों से उलझा रहेगा, एक तरफ जापान से उलझा रहेगा, एक तरफ फिलीपींस से उलझा रहेगा, वियतनाम से उलझा रहेगा, ताइवान से उलझा रहेगा, तो बनी बात है हमारी बॉर्डर पर ज़्यादा उलझने की कोशिश करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अच्छी चीज़ है कि ताइवान पे कुछ ना हो, तो इसलिए भारत को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताइवान का, तो ये भारत के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये भारत के लिए कई फ्रंट पे चीज़ें सोचने वाली हैं कि इसराइल और ईरान की अगर लड़ाई स्टार्ट हो गई तो चाइना कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो भारत तो यही चाहेगा कि ये कैसे भी करके लड़ाई ना हो, बीच का कोई रास्ता निकल आए, इसराइल को भी एक सम्मानपूर्वक कहने को मिल जाए कि ठीक है हमने इसलिए रोक दिया क्योंकि इसराइल के यहाँ हमला हुआ है और ये ईरान की धरती से हमला हुआ है, तो इसराइल की ये बात उसकी ईगो पर आ गई है, तो कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाल दिया जाए जिसको उसका ईगो भी मेंटेन हो जाए और ये लड़ाई भी ना हो। इसके लिए कुछ जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए, कैसे भी करके बीच का रास्ता निकालें और दोनों के बीच में समझौता करवा दें ताकि आगे से कुछ लड़ाई ना हो। हालांकि ईरान ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि जो हमें अपना बदला लेना था हमने ले लिया, हमारी तरफ से ओवर हो गया, अब कुछ नहीं करना, लेकिन इसराइल का क्या? इसराइल का तो अब देखने में आएगा कि वो करता क्या है, अगले 24 घंटे में करता है, 48 घंटे में करता है या कितने टाइम में करता है, ये तो अब देखने की बात होगी। दोस्तों अब इस पर जो भी अपडेटेड न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए देन अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा और समझाऊँगा आपको सारी चीज़ें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।